चलिए, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। वरदान एक्सप्रेस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यातायात पुलिस की, जिनके द्वारा लगातार सघन वाहन चेकिंग लगाई जा रही है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में यातायात विभाग के थाने के ठीक सामने यहाँ पे चेकिंग लगाई गई, जिस दौरान यहाँ पे यातायात पुलिस ने एक ट्रक बियर पकड़ी है जिसकी कीमत 36 लाख रुपये है। क्यों पकड़ी है, क्या वजह है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे और आप जानेंगे कि आखिरकार इस विषय को लेकर आबकारी विभाग ने क्या एक्शन लिया है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पे 36 लाख की बियर का आबकारी विभाग ने क्या किया। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। तो हम आपको बता दें, छतरपुर के सागर रोड पर यातायात जो विभाग है, जो थाना है, उसके सामने चुनाव को लेकर यहां पे वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जिस दौरान यहां पे एक ट्रक गुजरा और उस ट्रक में बियर भरी हुई थी और यहाँ पे आबकारी विभाग को कुछ डाउट हुआ, जिसके कारण ट्रक को रोका गया और दस्तावेज चेक किए गए, तो पता चला कि 14 घंटे देरी से यह ट्रक यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि उनकी तारीख निकल चुकी है, समय निकल चुका, और समय अवधि के बाद भी ट्रक यहाँ पे वेयर हाउस में लाया जा रहा था, जिस बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल आबकारी विभाग को सूचना दी और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद यहां पे विल्टी से लेकर तमाम दस्तावेज चेक किए गए और यहां पे बताया गया कि 36 लाख रुपए कीमत की ये पूरी शराब बियर है। और यातायात प्रभारी यहां बृहस्पति साकेत ने यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1400 पेटी बियर हैं और 14 घंटे बाद जिले की सीमा पर प्रवेश किया है। बता दें आपको, देवास के मक्सी से छतरपुर बियर हाउस लाई जा रही थी बियर और समय सीमा खत्म होने के कारण यहां पे आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बताया गया है कि चेकिंग के दौरान थाने के बाहर से यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं, जितेंद्र शर्मा, मीडिया के कैमरे पर किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया, तो सुनिए जितेंद्र शर्मा को। ये 1400 पेटी बियर है, बियर कैन बोल्ट कंपनी की, तो ये करीब 36 लाख रुपए कीमत की बियर है। और ये जैसा कि पत्रक में देख पा रहा हूँ, रीजेंट बियर एंड वाइन लिमिटेड है, ये मक्सी में है, शाजापुर में ये डिस्टलरी है, वहाँ से ये लोड होकर ये छतरपुर वेयर हाउस आ रही थी। तो ये इसका जो परमिट का समय था रात्रि 10:30 तक था, जो कि एक्सपायर हो चुका था। तो हमें यातायात थाने के माध्यम से सूचना मिली है, जिसको हमने अपने अंडर लिया है और आगे की कार्रवाई हम वैधानिक जो भी नियमानुसार है वो करेंगे। समय का वो सदुपयोग और करके कहीं इसको ब्लैक करती थी, वो जांच में आएगा ना, जांच का विषय है। जैसे हम आप भी ये मान सकते हैं, मान लो किसी को किसी कारणवश अगर विलंब हो जाता है तो वो चीज़ अवैध कैसे हो सकती है, वो जांच तो में उसकी सूचना अधिकारी, अगर वो होगा तो हाँ वो बिल्कुल तो आपको सूचना मिलनी, नियम के अनुसार सूचना देनी चाहिए थी, इसी कारण से तो ये हमने अभी अपने अंडर में ली। अब क्या होगा सर इसका, इसमें विभागीय प्रकरण दर्ज होगा और इसमें जांच होगी, अगर इसमें पाया जाता है किसी ने किसी प्रकार की गड़बड़ी की है तो आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। किसका नाम सामने आया, किसकी सामने कुछ नहीं, अभी तो डिस्टलरी से आ रही, रीगन बियर्स एंड वाइन लिमिटेड, आगे की जो कार्रवाई होगी वो अभी जांच में ही पता चलेगा ना आगे की कार्रवाई में। आप लोगों ने सुना आबकारी अधिकारी को कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ट्रक जो 1400 पेटी है बियर की, वो यहाँ पे पकड़ी गई हैं और इसकी कीमत 36 लाख रुपए बताई गई है। और ऐसे में आबकारी विभाग ने इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहाँ पे अब पूरी जो बियर है वो बियर हाउस में रखवा दी गई है और आबकारी विभाग की निगरानी रहेगी और यहाँ पे ठेकेदार और जो संबंधित व्यक्ति होंगे उनको सूचना कर दी गई है, वो यहाँ पे आएंगे, दस्तावेज देंगे। और साथ ही यहाँ पे अब देखना होगा कि आबकारी विभाग कितना चालान करता है और यहाँ पे पूरी एक ट्रक बियर पर क्या कार्रवाई करता है।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा हर खबर हर जानकारी जानने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।